सो हाई यू नो दिस इज़ आर फर्स्ट मास्टर क्लास ऑन एबिडा जिसमें आपको एबिडा का इन एंड आउट में सब कुछ बता दूंगा सो दिस इज़ आर इनिशिएटिव जो हमने नया लिया है जहां पर हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम वीक में एक बार अगर कभी अनवेलेबिलिटी रही तो फोर्थ नाइट में एक बार दो वीक्स में एक बार वैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि वीक में एक बार अपन लोग लाइव जाएंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रीजन क्या है कि यू नो आई जस्ट वांट कि मैं मेरे पास जो नॉलेज है जो मैं यूजुअली शायद यूट्यूब पे ना दे पाऊँ, जिसको मैं हमेशा एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में दे सकता हूं संडे तो, you know, uh, uh, को इवनिंग में रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग तो लास्ट तक देखोगे जो सेशंस में बने हुए लाइव सेशन आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए उसका एक सबसे सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ ताकि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर सको एक लाइव क्लासरूम में क्या जब आप लोग डाउट पूछते हो तो मजा आता है क्या क्या जब डाउट पूछते हो तो मजा आता है क्या बहुत मजा आता है बहुत मजा आता है बहुत मजा आता है ठीक है अलग ही लेवल है लाइव क्लास जाने का मेरा भी आप देखोगे टीचिंग स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट आई एम वेरी गुड इन लाइफ मतलब दो आई एम गुड इन यूट्यूब ऑल्सो बट उसमें कैमरे में देख के थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है जस्ट डोंट वॉन्ट लाइव में इट्स लाइक हु आई एम ठीक है मैं सब कुछ करूंगा वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप देखोगे ठीक है कंटेंट में लैग नहीं होना चाहिए क्वालिटी में लैग हो जाएगा मतलब वीडियो की क्वालिटी में लैग हो जाएगा चल जाएगा कंटेंट क्वालिटी में कोई लैग नहीं होगा वो मैं इंश्योर करूंगा ठीक चलो जी यार आप लोगों ने क्या देखा है बार बार सुना है हर जगह आपको एबिडा एबिडा करके वर्ड सुनाई देता है it's like, it's एडजस्टेड एबिडा के कंसेप्ट समझ में आते हैं एबिडा को एनालाइज कैसे करना है ठीक है एडजस्टेड एबिडा क्या होता है एबिडा सपने में आता है वेरी गुड वेरी गुड ठीक है सो ये सारी चीजें है ना हम बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे बाई द एंड ऑफ दिस सेशन आई कैन गारंटी यू कि एबिडा आपके लिए लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा ठीक है कभी भी आपको लाइफ में एबिडा के ऊपर कभी कोई इशू नहीं आएगा तो विल स्टार्ट सबसे पहले आप ये समझो कि एबिडा होता क्या है ठीक है तो ये डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है डेफिनेशन है अर्निंग्स ठीक है बिफोर किन किन तीन चीजों के बिफोर है इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी ले लो उसको ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ध्यान से समझिए जब आप एबिडा निकालते हो ठीक है तो आप क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो एबिडा इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी यस और नो सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो नेट प्रॉफिट भी होता है वो रिटेलर्स के लिए होता है जब रिटेलर देखेगा तो नेट प्रॉफिट देखेगा ठीक है जब रिटेलर देखेगा तो नेट प्रॉफिट देखेगा कंपनी का मालिक देखेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट देखेगा हमेशा ध्यान रखना ठीक है कंपनी का मालिक देखेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट देखेगा जब आप बैंकर देखेगा तो एबिट देखेगा उसको एबिडा से मतलब नहीं है रिटेलर मतलब रिटेल स्टॉक होल्डर्स रिटेल शेयर होल्डर्स जब बैंकर देखेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेगा दैट इज ईबीआईटी देखेगा एबिट देखेगा लेकिन जब एक प्रोफेशनल देखेगा जब एक इन्वेस्टर देखेगा ठीक है जब एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट देखेगा व्हेन यू आर लुकिंग टू अ कंपनी विथ द पर्सपेक्टिव कि मेरे को इस कंपनी में अब इन्वेस्ट करना है या मर्ज करना है मेरे क्लाइंट के लिए तब आप हमेशा एबिडा देखोगे ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है देन यू यू विल विल ऑलवेज 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 सी नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ध्यान से देखिए एक बात समझना पड़ेगा आपको कि जब हम एबिडा की बात करेंगे ठीक है और एक स्लाइड्स भी मैं आपको दे दूंगा तो इतना टेंशन मत लेना कोई नोट्स मत बनाओ संडे का दिन आराम से चिल मार के बैठो ठीक है रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं उसकी भी गारंटी दे रहा हूं बस आप कोई एफर्ट ही मत मारो अपनी तरफ से एबिड्डा हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस टू अंडरस्टैंड कि यार इंटरेस्ट टैक्स डिप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये क्या बला है ठीक है और मैं कौन सा इंटरेस्ट लूंगा कौन सा इंटरेस्ट नहीं लूंगा क्या मैं सारे इंटरेस्ट लूंगा मैं कैसे करूंगा वो सब चीजें अपन समझते हैं सबसे पहले ना आप इंटरेस्ट समझना देखिए कंपनी ने किसी भी तरह का फाइनेंशियल कॉस्ट का जो बर्डन है कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट जो भी चीज कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट के हेडर में आ रही है आके गिर रही है वो सारी की सारी इंटरेस्ट में जाके मर्ज हो जाएंगी। इसमें क्या आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इंक्लूड करोगे यस और नो एवरी क्या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इंक्लूड होगा हाँ के ना क्या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंक्लूड होगा हा के ना जो लीज लाइबिलिटी आपकी खड़ी है जो लीज लाइबिलिटी खड़ी है उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट इंक्लूड होगा हां ना सोच के बताइए एवरीथिंग सारा का सारा इंटरेस्ट जो यहां तो आपको बैंक को देना है अगर आपने रिलेटेड पार्टी से कोई लोन ले लिया है ठीक है रिलेटेड पार्टी से कोई लोन ले लिया है तो उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो क्या वो चीज इंक्लूड होगी एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड ठीक है लोन की फ्लोटेशन कॉस्ट क्या इंक्लूड होगी सोच के बताओ लोन की फ्लोटेशन कॉस्ट लोन लेने को जो खर्चा आया है लोन को लेने का जो खर्चा आया है क्या वो इंक्लूड होगा कभी इंक्लूड नहीं होगा लोन लेने का खर्चा मतलब आपने किसी ब्रोकर को पैसा दिया है आपने किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को पैसा दिया डेट सिंडिकेशन करने के लिए तो वो जो खर्चा आया है जो प्रोसेसिंग फीस है लोन की वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगी दैट इज जस्ट वन टाइम कॉस्ट ठीक है, दैट इज नेवर बी इंक्लूडेड ओके टैक्सेशन देखिए टैक्सेशन क्या अलग अलग तरीके के हो सकते हैं अपने इंडिया के अंदर यूजुअली देखोगे तो जो इनकम टैक्स होता है वो फेडरल टैक्स होता है सेंट्रलाइज टैक्स होता है बट यूएस के अंदर इनकम टैक्स फेडरल टैक्स भी होता है और स्टेट टैक्स भी होता है यस और नो एवरी ठीक है टैक्सेशन प्लीज ध्यान से समझिएगा इधर ध्यान से समझना टैक्सेशन जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं वो ब्रो टैक्सेशन हमेशा ध्यान रखना टैक्सेशन दो तरीके के होते हैं कैसे दो तरीके के टैक्सेशन होते हैं वो समझना एक होता है आपका एक्चुअल टैक्स और एक होता है आपका मार्जिनल टैक्स ठीक है एक होता है एक्चुअल टैक्स और एक होता है मार्जिनल टैक्स मैं इसको ठीक करता हूं एक होता है एक्चुअल टैक्स दूसरा होता है मार्जिनल टैक्स स नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड समझिए मेरी बात एक्चुअल टैक्स का क्या मतलब है बताए आपको एक्चुअल टैक्स का मतलब यह है कि आपका इबिट ई बी टी अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना था और आपने टैक्स का अमाउंट कितना पे किया है समझना मेरी बात अगर किसी ने टैक्स जो एक्चुअल टैक्स पे किया है वो ट्वेंटी किया है और उसका ओनिंग बिफोर टैक्सेशन जो था वो हंड्रेड था तो एक्चुअल टैक्स का रेट कितना हो गया एक्चुअल टैक्स का ट्वेंटी परसेंट हो गया इंडियन कंपनीज को कितना टैक्स पे करना पड़ता है जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितना है कॉर्पोरेट टैक्स कितना है जो लेवी होता है इंडियन कंपनीज पे थर्टी थर्टी परसेंट 25% होता है वैसे अभी ठीक है 25 30% फाइव थर्टी इट इज ठीक है स्टैंडर्ड एक 30% चल रहा है ग्लोबल स्टैंडर्ड है अपन 30% परसेंट लेते हैं मार्जिनल टैक्स का मतलब ये है कि बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी लाग लपेट के मतलब बिना कोई एडिशनल एग्जम्शन लिए बिना कोई एडिशनल बेनिफिट लिए जो डिरेक्ट टैक्सेशन नोटिफाइड है थ्रू द गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल टैक्स एक्चुअल में मार्जिनल टैक्स को मार्जिनल टैक्स क्यों बोला जाता है वो समझिएगा मार्जिनल टैक्स का मतलब है कि जो एडिशनल वन रुपी आप कमाओगे उसके ऊपर आप कितना टैक्स दोगे जो एडिशनल फ्यूचर में वन रुपी कमाओगे उसके ऊपर कितना टैक्स दोगे ठीक है समझिए कोई कंपनी है अच्छा कंपनी ट्वेंटी परसेंट टैक्स कैसे दे रही है सौ रुपए अगर उसका इबिट है हंड्रेड करोर का इबिट है अर्निंग्स बिफोर टैक्स हंड्रेड करोर है देन द कंपनी इज पेइंग द टैक्सेशन ऑफ ट्वेंटी रुपीज एंड नॉट थर्टी रुपीज थर्टी करोर्स ठीक है क्या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्या ये रीजन हो सकता है कि कंपनी को, को कोई स्पेशल स्पेशल बेनिफिट मिलाओ इनकम टैक्स क्लॉज में आपको पता है जो कंपनीज माउंटेन्स में रजिस्टर होती है नॉर्थ ईस्ट में जो कंपनी रजिस्टर होती है उनको स्पेशल क्लॉज मिलता है, है एसीजेड जो होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देखो इसमें जो भी वर्ड आपको समझ में ना आए ना उसको साइड में लिख के गूगल करना प्लीज क्लास के बाद ठीक है स्पेशल इकोनॉमिक मतलब क्या स्टार्टअप इंडिया में एक आपको पता है स्पेशल टैक्स क्लॉज लगता लगता है है फॉर फर्स्ट फ्यू यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग यस और नो बिल्कुल लगता है आपने देखा हुआ है वो चीज नाउ प्लीज अंडरस्टैंड फाइव ईयर्स नो टैक्स समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है टैक्स हॉलीडे है सनसेट क्लॉजे होते हैं अगर जो टैक्सेशन पड़े हुए लोग हैं उनको पता होगा इनकम के सनसेट होते हैं वो सब यहां पर इंप्लीमेंट हो जाते हैं ठीक है वो सब यहां पर डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाते हैं नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड मार्जिनल टैक्स अगर किसी भी कंपनी पे ये, कुछ भी नहीं एप्लीकेबल है है ठीक तो हंड्रेड की ईबीटी पे उसको कितना टैक्स देना है हंड्रेड की ईबीटी पे उसको कितना टैक्स देना है कितना रुपए लिखो इधर थर्टी रुपीज अब मेरे को एक बात समझाओ जो भी कैलकुलेशन आपका होता है ना ई वाला ठीक है या आप लोगों ने देखा होगा जो लोग थोड़ा फाइनेंस पढ़े हैं और अब तो सभी पढ़े हुए हैं जो केडी में वन माइनस टी अपन लोग करते हैं जो भी केडी में वन माइनस टी अपन लोग करते हैं केडी में जो भी मैं वन माइनस टी करता हूं ये वाला इसमें जो टैक्स रेट आता है ना दैट इज ऑलवेज मार्जिनल टैक्स रेट वाई क्योंकि जो इंटरेस्ट का आप खर्चा कर रहे हो जो इंटरेस्ट का एक खर्चा कर रहे हो एक्स्ट्रा एक रुपया जो आप खर्च कर रहे हो इंटरेस्ट पे उस पर आपका कितना परसेंट टैक्स सेव हो रहा है ट्वेंटी परसेंट या थर्टी परसेंट सोच के बताइए कितना परसेंट टैक्स सेव हो रहा है ट्वेंटी परसेंट या थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट टैक्स सेव हो रहा है यस और नो एवरी वन यस नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस ठीक है क्या सब लोगों को एक बेसिक क्लैरिटी मिली है कि एक्चुअल टैक्स और मार्जिनल टैक्स क्या होता है एक्चुअल टैक्स और मार्जिनल टैक्स क्या होता है इसकी बेसिक क्लैरिटी आपको मिली है एक बात ध्यान रखना जो एबिडा है ठीक है जो एबिडा है ठीक है क्या मार्जिनल टैक्स रेट और एक्चुअल टैक्स रेट सेम होते हैं क्या हो सकते हैं अगर कंपनी को, को कोई एडिशनल बेनिफिट ना दे रहा हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो एडिशनल बेनिफिट ना दे रहा हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ये सेम हो सकते हैं ठीक है मार्जिनल टैक्स रेट और ये सेम हो सकते हैं एक्चुअल टैक्स रेट क्या है देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी उसका कितना प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट पे उसको टैक्स देना है ठीक है वो हंड्रेड है ठीक है और जो एक्चुअल टैक्स का पेमेंट किया वो 25 से नहीं कराया उसने उसने ट्वेंटी रुपीज टैक्स पे किया है ट्वेंटी करोड़ का टैक्स पे किया है तो एक्चुअल टैक्स का रेट कितना हो गया ट्वेंटी परसेंट हो गया डाउट है इसमें इसमें किसी को भी डाउट है स्पेशली जिन लोगों ने कंफ्यूज बोला है वापस अरे बताओ ना हाँ के ना जल्दी से क्या कर रहे हो ठीक है समझो मेरी बात सिंपल सा लॉजिक है एक मिनट यह ना आप सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले एक बात समझ लेना ठीक है एक इनकम स्टेटमेंट में बता देता हूँ आपको कैसे प्लॉट होती है नॉर्मल आप समझ जाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठीक है और एक बात ध्यान रखना कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये इन डे एस के अंदर तो ये लिखा हुआ है ठीक है नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वो जो इन डे एस है ना वो गैप के अकॉर्डिंग बनता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो गैप के बाहर इनकम स्टेटमेंट पूरा प्रैक्टिकल है डोंट वरी ठीक है एक्चुअल टैक्स रेट एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट की उसके अंदर और मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा ठीक है मीटिंग सो दैट अगर कोई जाता है तो ही के नॉट कम बैक ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड हम लोगों ने हम लोगों ने एक्चुअल यस इट्स अ नॉन गैप मेजर तो जो इंड एस में चीजें लगती है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लगती है जो आई एफ आर एस में लगती है वो यहां पर नहीं लगेगी बाबू मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को ठीक है वो यहां पर नहीं लगेगा कुछ भी वो चीज यहां पर नहीं लगेगी ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड दिस एक बात समझिए आप इनकम स्टेटमेंट देखो आप कैसे बनता है किसी भी कंपनी का सबसे पहले आता है सेल्स ठीक है मान लो सेल्स है कंपनी का 200 हंड्रेड करोड़ दो करोड़ का सेल करा है कंपनी ने उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब चीजों को बनाने का कितना खर्चा हुआ ठीक है वो मान लो आप इसका 100 है तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है कंपनी का वो कितना आ गया दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ गया हंड्रेड आ गया ठीक है इसके बाद आप क्या करोगे एस जी इसमें जमाने के सारे खर्चे इंक्लूड कर दो एच जी एंड मान लो एच जी जो आया वो आपका ट्वेंटी रुपीज आया तो जो एटी रुपीज है ना ये एबिड्डा है इस एबिड्डा में सबसे पहले आप इंटरेस्ट कंपोनेंट हटाओगे मान लो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो टेन रुपीज है फिर आप सॉरी सॉरी इसमें आप सबसे पहले डेप्रीसिएशन हटाएंगे अपन मान लो डेप्रीसिएशन टेन रुपीज है तो जो मेरा नीचे आता है वो एबिट आता है ईबीआईटी आता है ईबीआईटी मेरा आया सेवेंटी ठीक है ईबीआईटी आया मेरा सेवनटी नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ये ईबीआईटी आया मेरा सेवेंटी अब इस सेवेंटी में से मैंने इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दिया मान लो इंटरेस्ट ट्वेंटी रुपीज लग रहा है तो पचास रुपया आया ये आया मेरा ईबीटी ये मेरी अर्निंग बिफोर टैक्स है क्या मैं इस पे टैक्स दूंगा हा के ना सब लोग सोच के बताइए कि आप इस पे टैक्स दोगे यस और नो आप समझना आप समझना ये कंपनी है जो कॉरपोरेट टैक्स है ना जो कारपोरेट टैक्स होता है ना वो थर्टी परसेंट है ठीक है तो अगर आप मान लो इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है सिगरेट बनाने की कंपनी क्या आपको लगता है बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट तो चूस लेती है सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से टैक्सेशन एक रुपए का बेनिफिट नहीं देगी ठीक है एक नए पैसे का बेनिफिट नहीं मिलेगा ठीक है मान लो सिगरेट बनाने वाली कंपनी एक सेकंड के लिए मानना ठीक है तो टैक्स कितना लगेगा पंद्रह रुपया लगा और ये आपके आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स थर्टी फाइव रुपीज क्या ये चीज यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर है यस नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एक सेकेंड के लिए समझिए कि ये एक दूसरी कंपनी का सब कुछ सेम है एवरीथिंग इज सेम इन अनदर कंपनी बट उसके अंदर सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या आ रहा है पता है कि वो कंपनी है ना वो कंपनी मान लो ऐसा मैं एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं अभी समझाने के लिए बस आपको मान लो ऐसा कि वो एक स्टार्टअप है मेरे को पता है स्टार्टअप में फर्स्ट फाइव ईयर्स में कोई टैक्सेशन नहीं है ठीक है बट ये कंपनी की स्टार्टअप है ठीक है और ये जब स्टार्टअप है तो इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है मान लो टेन परसेंट से टैक्स पे हो रहा है ठीक है गवर्नमेंट ने बोले कि जो स्टार्टअप है पहले पांच साल नो टैक्स उसके बाद अगले पांच साल सिर्फ दस परसेंट टैक्स दो कैसा हो सकता है पॉसिबल है गवर्नमेंट एक चिट्ठी लिख के ला सकती नोटिफिकेशन है तो अब वो क्या कर रहा है ना अब वो टैक्स पे कर रहा है टेन परसेंट के हिसाब से तो कितना टैक्स पे हो रहा है फाइव रुपीज पे हो रहा है तो इसका ई कितना आ रहा है फोर्टी आ रहा है अब ध्यान से समझना ठीक है अब ध्यान से समझना अब जो मेरी ये वाली कंपनी है इसके लिए एक्चुअल टैक्स का रेट क्या है कितना परसेंट एक्चुअल टैक्स रेट है थर्टी परसेंट है क्या एक्चुअल टैक्स रेट अनिश कितना परसेंट है टेन परसेंट है यस और नो टेन परसेंट है ना फाइव परसेंट यस है फाइव परसेंट होता तो ढाई तो तो रुपए हो जाता फाइव डिवाइडेड फिफ्टी टेन परसेंट है और इसी कंपनी के लिए मार्जिनल टैक्स रेट कितना है मार्जिनल टैक्स रेट का क्या मतलब होता है जो कंपनी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है समझ रहे हो आप बेसिक कंसेप्ट है समझ में आ गया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बड़े आगे कोई प्रॉब्लम है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई मैं पांच घंटे पढ़ा सकता हूं ठीक है मैं इतना स्लो पढ़ा सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है क्रिस्टल क्लियर है एक एक आदमी को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ठीक है चलो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड अगर सबको समझ में आ रहा है तो बूम लिख दो एक बार आगे बढ़ना है बूम लिखो फटाफट यस चलिए 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 बूम बूम बड़ाम ठीक है नाउ डिप्रीसी ठीक है डिप्रिसिएशन क्या होता है मैं बिल्कुल बेसिक प्लेन भाषा में समझाता हूं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है मैं एक असेट लेके आया ठीक है मान लो ये मेरी असेट है ठीक है ऐसे तो एक कैंडल है लेकिन मान लो ये मेरी असेट है ठीक है ये असेट मैंने हंड्रेड करोड़ में खरीदी है ठीक है अब मैं क्या करूं करोड़ का एक्सपेंस बुक कर लू क्या पूरा का पूरा क्या पूरा सौ करोड़ रुपए का एक्सपेंस आज बुक कर लू नहीं आज बुक नहीं करूंगा क्यों नहीं बुक करूंगा पता है उससे मेरा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल मैच नहीं होगा मेरे को अगले दस साल तक बेनिफिट देने वाली है यह मुझे पता है कि अगले दस साल तक मेरे को बेनिफिट देगी आने वाले दस सालों तक ठीक है तो क्या मैं हर साल टेन टेन परसेंट बुक कर सकता हूं इस असेट का तो हर साल में टेन करोड़ रूपी का खर्चा डालूंगा पीएनएल में वो जो मैं खर्चा डाल रहा हूं समझना इस साल मेरा कैश एक्सपेंडिचर कितना बताओ पहले मेरे को ये के इस साल मेरा खर्चा है ठीक है ठीके? अब नेक्स्ट ईयर जब मैं टेन करोड़ रुपीस इस असेट के चार्ज करूंगा मैंने पीएनएल में मतलब पीएनएल डेबिट करूंगा एक्सपेंस बुक करूंगा इस असेट का ठीक है तो क्या वो जो टेन करोड़ रुपीज होगा वो कैश का खर्चा होगा क्या फिर से दस करोड़ रुपए खर्च करूंगा किस एसेट पे? बिल्कुल भी नहीं करोगे ठीक है तो हर साल में टेन टेन सीआर बुक करता जाऊंगा इसी को डिप्रीसी बोला जाता है डिप्रीसी इज कैश एक्सपेंडिचर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस जो डेप्रीसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ठीक है इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है सोच के बताना क्या डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है यस यस इट इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस इट इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर सारी की सारी चीज अभी क्लियर हो जाएगी कैश फ्लो में क्यों नहीं लेते हैं क्योंकि नॉन कैश है इसीलिए कैश फ्लो में नहीं लेते हैं प्रसुख ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड जब डेप्रीसिएशन किसी फिजिकल एसेट पे लगता है ना जब डेप्रीसिएशन किसी फिजिकल एसेट पे लगता है तो उसको क्या बोला जाता है उसको डेप्रीसिएशन बोला जाता है ठीक है जब डेप्रीसी किसी ब्रांड पे लगता है ठीक है ये ब्रांड का नाम है ठीक है जो कैंडल गिफ्ट में आया है उसका नाम है ये ब्रांड ये का नाम है बोगी ठीक है तो जब डिप्रिसिएशन किसी इनटेंजिबल एसेट पे लगता है इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है क्या ब्रांड इंटेंजिबल है हां के ना क्या ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है क्या पेटेंट इंटेंजिबल है क्या कॉपीराइट राइट इंटेंजिबल है क्या डेटा इंटेंजिबल एसेट है सोच के बताइए क्या कस्टमर रिलेशनशिप इंटेंजिबल एसेट होती है किसी कंपनी में यस और नो जब जोमैटो ने ब्लिंकेट को एक्विजिशन किया जब जोमैटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया ठीक है तो वो जो एक्विजिशन हुआ ब्लिंकेट का क्या वो सिर्फ ब्लिंकेट के बिजनेस के लिए हुआ या ब्लिंकेट का कस्टमर बेस भी साथ में आया जोमैटो को मतलब अगर ब्लिंकिट बोल देता कि हम कस्टमर की लिस्ट शेयर नहीं करेंगे आपके साथ तो क्या एक्विजिशन की वैल्यू डाउन हो जाती यस और नो हो सकता था एक्विजिशन ही कैंसिल हो जाता हो सकता था एक्विजिशन ही कैंसल हो जाता यस yes. परफेक्ट समझ में आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है कुछ भी डिफरेंस नहीं है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में सिर्फ असेट क्लास का डिफरेंस डिफरेंस है फिजिकल असेट पे जब चार्जेबिलिटी होगी तो डेप्रिसिएशन होगा जब इनटेंजेबल पे एसेट चार्जेबिलिटी होगी तो अमोर्टाइजेशन होगा इनटेंजेबल एसेट मतलब जिन्हें आप फील नहीं कर सकते जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते जिन्हें आप देख नहीं सकते वो इनटेंजेबल असेट है ठीक है आई होप ये समझ में आया होगा ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड मेरे को एक बात बताओ जो इंटरेस्ट होता है किसी भी कंपनी में जो इंटरेस्ट होता है ठीक है क्या इंटरेस्ट जो है वो किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है क्या यस और नो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी मतलब जिस कंपनी के पास पुराना पैसा पड़ा हुआ है ठीक है जिस कंपनी के पास पुराना पैसा पड़ा हुआ है ठीक है और उसको डेट लेने की जरूरत नहीं है तो उसका इंटरेस्ट कम रहेगा कोई नई कंपनी है ठीक है उसका इंटरेस्ट अगर हाई डेट है तो इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा यस और नो होता है क्या जो टैक्स हैं क्या जो टैक्स हैं वो क्या स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक पॉलिसीज बन सकती है क्या सेक्टर स्पेसिफिक टैक्स पॉलिसीज बना सकती है क्या गवर्नमेंट ठीक है आपको पता है गवर्नमेंट के लिए एक प्राइमरी सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है एग्रीकल्चर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है हेल्थ केयर प्राइमरी सेक्टर में आता है जो लोग बैंकिंग में हैं ठीक है जिन लोगों का बैंकिंग में स्पेशल इंटरेस्ट है ठीक है उन सबको पता होगा कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग होती है जो हर बैंक को जितना भी लोन डिसबर्स कर रहा है उसका सर्टन परसेंटेज उन सेक्टर्स को डिस्बर्स करना ही पड़ेगा ठीक है बिकॉज क्यों करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द नीड दैट इज द स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर हो गया आपका हेल्थ केयर हो गया ठीक है एजुकेशन हो गया ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड तो क्या टैक्स रेट कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टैक्स पॉलिसीज यस क्या इंटरेस्ट के रेट्स कंपनी टू इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्या कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है बिकॉज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यस और नो प्लीज अंडरस्टैंड क्या डिप्रीसीशन डिफर कर सकता है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कोई कंपनी बोल रही है कि मेरी देखना मैंने जब ये असेट आपको दिखाई थी तो मैंने इसकी यूजफुल लाइफ आपको क्या बताई थी कि कितने साल तक ये असेट मेरे काम आएगी दस साल तक काम आएगी क्या मैं अगर आपको बोलता हूं कि ये यसेट मेरे पंद्रह साल काम आएगी तो आप मानोगे कि पंद्रह साल काम आएगी हाँ के ना मैनेजमेंट जो बोलेगा वो यूजफुल लाइफ होगी ना मैनेजमेंट जो बोलेगा वो यूजफुल लाइफ होगी ठीक है जैसे एक कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी उसने एक जेसीबी खरीदी वो बोलता है जेसीबी सी दस साल आएगी काम आएगी हमको तो टेन तो ईयर्स तक डेप्रिसिएशन लगेगा ठीक है दूसरी कंपनी बोलेगी जे सी हमको पंद्रह साल तक काम आएगी तो बोले भाई देखो पंद्रह साल उसको दस साल ऐसा क्यों तो बोले मेरा आदमी सिंगल हैंडेड चलाएगा ऐसे ही बोलते जनरली सिंगल हैंड गाड़ी चली हुई है तो जैसी भी हमारी सिंगल हैंडेड चलेगी कोई और नहीं चलाएगा जैसी भी एक ही बंदा चलाएगा जैसी भी ठीक है तो वो हमको पंद्रह साल काम आ जाएगा तो यहां पर क्या फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो सकती है ड्यू टू तो अकाउंटिंग पॉलिसी यस और नो ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड मैनिपुलेशन हो सकता है ठीक है लाइव क्लास है कमेंट्स तो आएंगे लाइव क्लास है कमेंट्स आएंगे कमेंट्स के बिना तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता लाइव क्लास ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एक बात ध्यान रखिए क्या होता है ना यूजुअली जो रिटेलर्स होते हैं यहां पर जो इन्वेस्टर्स है ना उनका मतलब है रिटेल शेयर होल्डर्स वो यूजुअली उनका फोकस किन चीजों पे होता है पता है नेट इनकम पे फोकस करेंगे कंपनी का ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट क्या है ठीक है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मुझे सोच के बताना थोड़ा सा ध्यान देना और मुझे सोच के बताना क्या 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 जब भी कोई कंपनी का रिजल्ट आता है और आप हेडलाइन देखते हो आप इस नोटिफिकेशन देखते हो तो जनरली क्या चीज लिखी हुआ है नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय इतना परसेंट ईयर ऑन ईयर या एबिडा इंक्रीज बाय इतना परसेंट ईयर ऑन ईयर क्या लिखा हुआ आता है नेट प्रॉफिट आता है ठीक है बस 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 नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ठीक है इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट वो समझते हैं और वो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से एबिड्डा जो होता है ना एबिड्डा जो होता है ना वो एबिडा किसी कंपनी की ट्रू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को दर्शाता है सर ट्रू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है? ट्रू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब यह है कि बिना किसी लाग लपेट के एक्चुअल में वो कंपनी धंधा करके कितना पैसा कमा रही है मतलब बिना किसी लाग लपेट के मतलब अगर आप एक मिनट के लिए उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को साइड में कर दो एक मिनट के लिए उसका जो इंटरेस्ट या कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको साइड में कर दो ठीक है एक मिनट के लिए आप उसका जो टैक्सेशन है ठीक है उसको साइड में कर दो तो जो काम काज वो कर रहा है उससे क्या मुनाफा है वो चीज वो चीज एबिडा से दर्शाई जाती है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड मेरे को एक बात समझाना मैं एक चीज में आप लिखता हूं आप लोगों के लिए एक है कंपनी ए एक है कंपनी बी और एक है कंपनी सी ठीक है? कंपनी ए बी और सी ये तीनों कंपनीज़ हैं, ठीक है समझिए एक कंपनी का जो एबिड्डा मार्जिन है एबिड्डा मार्जिन मतलब एबिड्डा बाय सेल्स ठीक है इसका एबिट मार्जिन और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन मैंने तीनों ले लिए ठीक है मैंने तीनों ले लिए नाउ प्लीज अंडरस्टैंड देख के बताइए मेरे को समझाना कंपनी ए का जो एबिड्डा है ठीक है वो मान लो अट्ठारह परसेंट है कंपनी बी का बीस परसेंट है और इसका बाविस परसेंट है ठीक है कंपनी ए का जो एबिट है ठीक है जो एबिट है कंपनी ए का जो एबिट है दैट इज सेवेंटीन परसेंट इसका है सिक्सटीन परसेंट और इसका है मान लो ऐसा फिफ्टीन परसेंट ठीक है ऐसा मान लो एक मिनट के लिए और जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट इसका फिफ्टीन परसेंट है इसका फोर्टीन परसेंट है और इसका सिक्सटीन परसेंट इसका भी फोर्टीन परसेंट है या इसका थर्टीन परसेंट है ऐसा ले लो आप ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगर आप सिर्फ नेट प्रॉफिट देखते हो तो कौन सी कंपनी सुपर स्टार है रिटेलर तो सीधे बॉटम लाइन देखता है कौन सी कंपनी सुपर स्टार है कंपनी ए सुपर स्टार है ठीक तो है अगर आप सिर्फ इबिट देखते हो तो कौन सी कंपनी सुपर तो स्टार है कंपनी ए सुपर स्टार है तो अगर आप एबिड्डा देखते हो तो कौन सी कंपनी सुपरस्टार है कंपनी सी सुपर स्टार है एक मिनट समझना कंपनी अगर मैं सिर्फ जो इंफॉर्मेशन मेरी सामने लिखी हुई है मैं सिर्फ उसी के बेसिस पे चलता हूं अगर तो आप क्या समझ रहे हो क्या आप ये समझ रहे हो कि कंपनी सी अपने धंधे को अच्छी तरीके से कर पा रही है एज कंपेयर टू एंड बी यस और नो यार ये मोमबत्ती बनाने का बिजनेस है आप तो ऐसा समझ लो मोमबत्ती बन रही है ठीक है मोमबत्ती बन रही है सेंटेड कैंडल बनाने का बिजनेस है अब ये सेंटेड कैंडल बनाने का बिजनेस है इसमें कंपनी ए 18 परसेंट मुनाफा कमा रही है कंपनी बी 20 परसेंट कमा रही है और कंपनी सी बाविस परसेंट कमा रही है ठीक है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कंपनी सी को ज्यादा अच्छा नॉलेज है कि बिजनेस कैसे किया जाता है ज्यादा एफिशियंटली वो बिजनेस कर रहे हैं जब आप सेकेंड रो में आ रहे हो सेकेंड कॉलम में आ रहे हो ठीक है अब यहां गेम पूरा चेंज हो गया है कंपनी ए का एबिट मार्जिन इसलिए ज्यादा है क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन कम है हा के ना हो सकता है कंपनी कंपनी हो और उसके ऊपर बहुत कम लोन आउटस्टैंडिंग हो और कंपनी सी नई कंपनी हो और उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो जिसके कारण वो मार्जिन डिप हो गया है यस और नो यस और नो लोन नहीं डिप्रिसन सॉरी येस और नो कंपनी ए जो है कंपनी ए जो है वो पुरानी मशीनरी यूज कर रही है कंपनी सी जो है उसने नई मशीन लगाई डेप्रीसिएशन ज्यादा है यस और नो समझिए उसी के हिसाब से यहां अगर मैं एबिट लिखता हूं तो क्या यह चीज क्लियर है कि एबिट में जो कंपनी ए है ठीक है उसका इंटरेस्ट कम है एज कंपेयर टू कंपनी सी क्योंकि आप समझ लो मार्जिन पे जा रहा है ना इंटरेस्ट तो सेल्स के मार्जिन पे अमाउंट वाइज अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में जाते हो तो अमाउंट सी का बड़ा होगा ईबीआईटी में ईबीआईटी में सॉरी ईबीटी में सॉरी यस ईबीटी में ठीक है ईबीटी के अंदर यस और नो क्या ये सबको समझ में आया बहुत बेसिक कंसेप्ट है इस पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रॉडनरी लॉजिक वाला हो ठीक है अब मेरी बात समझना बाबू प्रॉब्लम कहाँ होती है ठीक है क्या आपको यह चीज समझ में आ गई है कि जो मेरा एबिड्डा है होता है ठीक है दैट इज सैनिटी सैनिटी एक मिनट समझना देखो कैश में क्या होता है ना कैश के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है यूजुअली फाइनेंस में देर इज दिस टर्मिनोलॉजी दैट कैश इज सैनिटी एंड इनकम इज वैनिटी ठीक है कैश सैनिटी है कैश ही सब कुछ है सर्वोपरि है अगर कैश है तो सब कुछ है कैश नहीं है तो कुछ भी नहीं है क्या चीज़ समझ में आ रही है ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड मेरे को एक बात समझाओ क्या जब मैंने एबिड्डा कैलकुलेट किया था आप लोगों के सामने वेन हैव कैलकुलेटेड एबिडा इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है तो क्या ये एबिड्डा कैलकुलेशन के पहले मैंने कोई भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया था क्या देखो ना डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है मैंने नहीं रिड्यूस किया अगर इसमें कोई प्रोविजनिंग होती तो वो भी मैं रिड्यूस नहीं करता ठीक है मैंने नहीं किया था नाउ प्लीज अंडरस्टैंड सर एबिड्डा जो होता है ना उसको जो एबिड्डा होता है अपना एबिड्डा को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है एबिडा को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड इसके बाद जो इबिट होता है इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब यह है कि सारे ऑपरेटिंग खर्चे निकालने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बच रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हा के ना मैंने सारे खर्चे निकाल दिए उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बच रहा है वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यस और नो तो मैंने तो डेप्रिसिएशन भी बाहर कर दिया अब आपको समझ में आ रहा है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने क्यों वो चीज बोली थी वहां पर यस yes, समझ में आ रहा है और जो आपकी नेट इनकम होती है यानी जो आपका ई ए टी होता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दैट इज नथिंग बट दैट इज योर नेट प्रॉफिट एक टर्म आप बार बार सुनोगे ठीक है एक टर्म आप बार बार सुनोगे एक टर्म आप बार बार सुनोगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नो पैट क्या टर्म सुनते हो बार बार वो कुछ भी नहीं होता है वो होता है ईबीआईटी e EBIT में से सिर्फ टैक्सेशन माइनस कर देते हैं दैट्स इट दिस इज नेट दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या इतना क्लियर है सबको मैं बढ़ू आगे एक मिनट समझना 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 प्लीज अंडरस्टैंड ये जो जब भी मैं आपको एक रामबाण इल बता देता हूं इसका तरीका क्या ये सुनिए मेरी बात मेरी बात सुनिए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है पता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअल टैक्स और मार्जिनल टैक्स रेट में ठीक है जब भी आप कैश फ्लो से डील करते हो जब भी आप कैश फ्लो से डील करते हो और आप टैक्स की बात कर रहे हो तो वो टैक्स हमेशा एक्चुअल टैक्स रेट होगा क्या चीज़ समझ में आ रही है जब भी आप कैश फ्लो से डील करते हो यस राहुल जब भी आप कैश फ्लो से डील करते हो और आप टैक्स की बात कर रहे हो तो हमेशा एक्चुअल टैक्स रेट होगा ठीक है वहां टैक्सेशन समझा रहा था इसलिए मैंने समझाया कि दो अलग अलग टैक्स रेट होते हैं जब भी आप कॉस्ट ऑफ डेट से डील करते हो, से जब भी डील करते हो तो जो टैक्स रेट होगा वो कौन सा टैक्स रेट होगा मार्जिनल टैक्स रेट होगा मार्जिनल टैक्स रेट होगा ठीक है बिल्कुल क्लियर है एक बात समझाओ मेरे को ठीक है ना एबिडा जो होता है ना यूजुअली आप देखोगे जब आप और आगे सीखोगे आप और इक्विटी रिसर्च वगैरह करने की कोशिश करोगे खुद से ठीक है एबिट वन माइनस टी क्या ई ए टी होता है क्या बिल्कुल भी नहीं एबिट वन माइनस टी ई ए टी नहीं होता है ठीक है वो नोपैट होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ठीक है ये रहना ये जो अपन ने समझी है इसको आप अपना सैंक्टम सेंटोरम मान लेना दिख रहा है आपको ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड आप लोग जब फ्यूचर में खुद से यू नो चीजें करना शुरू करेंगे ठीक है आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके सामने एक वर्ड आएगा टर्मिनोलॉजी आएगी उसको बोला जाएगा या तो आएगी एल टी या फिर वो आएगा टी टी एम ठीक है एल का मतलब होता है लास्ट ट्वेल्व मंथ्स और टी का मतलब होता है ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ लास्ट ट्वेल्व मंथ और ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ जिन लोगों ने फाइनेंशियल मॉडलिंग के सेशंस देखे हैं यूट्यूब पे ठीक है ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ मींस पिछले बारह महीने का एबिड्डा क्या चल रहा है ठीक है जिन लोगों ने जिन लोगों ने अपने सेशंस देखे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के ठीक है मैंने एक प्रोसेस बताई थी उसको कैलेंडराइजेशन बोला जाता है दोनों सेम है दोनों सेम है उनको कैलेंडराइजेशन बोला जाता है यस और नो देखो सिंपल सा लॉजिक है कुछ भी नहीं करना है बहुत सिंपल है इतना सिंपल कोई चीज हो ही नहीं सकती दुनिया में ये अप्रैल ट्वेंटी टू है और ये मार्च ट्वेंटी थ्री है ठीक है हम अभी कहां खड़े हैं मान लो अप्रैल में जून जुलाई हम अभी जुलाई में खड़े हैं ऐसा मान लो आप ठीक है ना अप्रैल में जून ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर है जुलाई अगर ये मेरा सेकंड क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये मेरा थर्ड क्वार्टर है और लास्ट मेरा ये फोर्थ क्वार्टर है जनवरी फेबररी मार्च ठीक है अगर मैं थर्टी फर्स्ट मार्च को खड़ा हूं यहां पर मैं स्टैंड कर रहा हूं खुद तो मेरे ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ क्या हो गए पिछले चार क्वार्टर हा के ना लास्ट फोर क्वार्टर हो गए अगर मैं जुलाई में खड़ा हूं मैं इधर आके खड़ा हो गया हूं तो मेरे ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ क्या होगा या मेरे लास्ट ट्वेल्व मंथ क्या हो गए लास्ट के चार क्वार्टर हो गए तो मैं क्या ये वाला जो क्वार्टर है इसको कंसिडर करूं क्या इस वाले क्वार्टर को यह तो लास्ट के पांच क्वार्टर हो जाएंगे ना इसको मैं हटा देता हूं इसको मैं हटा देता हूं तो इस जगह पर अगर जो ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ या एल बनता है या जो टी बन रहा है उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे आप ये इंक्लूड करोगे आप ये क्वार्टर इंक्लूड करोगे आप ये क्वार्टर इंक्लूड करोगे और मार्च 23 से जून 23 तक का जो क्वार्टर है एक क्वार्टर और आ गया होगा ना आप उसको इंक्लूड करोगे मतलब क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 क्या ये चीज समझ में आ गई है बिल्कुल परफेक्टली समझ में आई है कोई प्रॉब्लम है यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है अब हम समझेंगे कि बिजनेस में एक्चुअल एबिड्डा का एनालिसिस कैसे होता है मैं वैल्यूएशन में भी बताऊंगा कि एबिड्डा का क्या इंपॉर्टेंस है बट यहां समझना कि बिजनेस में एबिड्डा का इंपॉर्टेंस क्या है सो देर इज दिस रेशियो विच इज प्रडोमिनेटली यू नो यूज वाइल यू आर एनालाइजिंग एनी बिजनेस ठीक है दैट रेशियो इज सी एफ ओ बाई ठीक है दैट रेशियो इज सी एफ ओ बाई एबिडा ठीक है क्या ये रेशियो के बारे में किसी ने पहले सुना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन क्या होते हैं ये पता है देखो मैं बिल्कुल मारवाड़ी भाषा में समझाता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन क्या होते हैं वो बिल्कुल मारवाड़ी प्लेन मारवाड़ी लैंग्वेज में समझाता हूं ठीक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो होते हैं वो बताऊं क्या होता है धंधे का पैसा जो गल्ले में आ गया समझ रहे हो आप इससे बेस्ट कोई डेफिनेशन नहीं है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बिजनेस का वो पैसा जो गल्ले में आ गया कई चीज समझ में आ रही है ठीक है बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई है तो कभी भी आपको जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन समझना है ना तो हमेशा वही चीज देखना कि मेरे पास कितना पैसा आया ठीक है एक मिनट सुनना सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट आ गया माइनस एसजीएनए तो मेरा एबिड्डा आ गया वो एसजीएनए के साथ कंफ्यूज मत हो ये हो जो आप अकाउंटिंग में करते हो ठीक है तो मेरा एबिड्डा आ गया क्या ठीक है क्या ये जो सेल्स है इस सेल्स के अंदर प्लीज अंडरस्टैंड इस सेल्स के अंदर क्या वो सेल्स भी होगी जो मैंने उधारी में काट के दिए लोगों को यस और नो सोच के बताइए अरे जो उधार लेके चला गया मामा आ गया ले पढ़ा दे बच्चे को ठीक है समझ रहे हो हाँ मामा पढ़ा दूंगा समझ रहे हो आप ये चीज होती है नॉर्मल सी चीज है यस और नो ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या ऐसा माल मैंने खरीदा होगा जिसका पेमेंट मेरे को करना बाकी है यस और नो समझिए तो वहां पर वो मेरे पेबल्स इंक्लूड हो गए क्रेडिटर्स बोलते हैं उनको पेबल्स बोल दो क्रेडिटर्स बोल दो ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस सी एफ ओ का मतलब है धंधे का वो पैसा जो गल्ले में आ गया और एबिड्डा का मतलब है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सर ये दोनों चीजें तो सेम हो गई दोनों चीजें सेम नहीं हुई दोनों दोनों में फर्क है वो समझो आप दोनों चीजें सेम कैसे हो गई नहीं हुई सेम मैं बताता हूँ आपको एबिडा को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोला जाता है पता है क्योंकि उसमें कोई भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर आपने इंक्लूड नहीं किया है इसीलिए कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं बोला जाता है आप समझ रहे हो उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं बोला जाता है क्या ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को ए टू जेड चलो सी एफ ओ बाई एबिडा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो ठीक है अब अपन बिजनेस एनालिस करते हैं ठीक है कैलकुलेटर हाथ में रखना मैं आपको लाइव केस स्टडी बता रहा हूं ठीक है कैलकुलेटर प्लीज हाथ में रखना अपन कोशिश करेंगे कि अपन धंधे को एनालाइज करें ठीक है चलिए यस क्या स्क्रीन से लोग देख पा रहे हैं धुंधली दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को दिखेगी ठीक है अब देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट है इस स्क्रीन इस स्क्रीन एकदम परफेक्ट है वेरी गुड ना प्लीज अंडरस्टैंड मैं भी आ गया स्क्रीन पे आपके साथ ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड देखिए मैंने क्या करा ना ब्रो मैंने क्या करा है? मैंने स्क्रीनर ओपन किया ठीक है अब यूजुअली जब आप स्क्रीनर ओपन करते हो ठीक है तो स्क्रीनर पे कोई भी एक कंपनी का नाम बताओ जो पहली कंपनी आएगी उसको पकड़ेंगे टाटा टाटा क्या? टाटा क्या टामो आया पहला लिख देते हो देखिए यहां पर क्या आप सब लोग सीएफओ बा एवेडा देख पा रहे हो सीएफओ एवेडा देख पा रहे हो अब देखना जब मैं इस रेशियो को एडिट यहां पर और ये आपको लॉग इन करा हुआ होना चाहिए हाँ फ्री है लेकिन ये लॉग इन करा हुआ होना चाहिए एबिट एडिट करोगे ना आप जब यहां पर आप ढूंढने जाओगे वो रेशियो को तो आपको सी एफ ओ बाई एविड्डा नहीं मिलेगा आपको सी एफ ओ बाई एबड्डा बनाना पड़ेगा ठीक है वो कैसे बनाएंगे वो आज हम सीखते हैं तो ये नीचे क्रिएट न्यू रेशियो दिख रहा है आपको अपन इस पर क्लिक करेंगे और मान लो ये कुछ भी रेशो नहीं है आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है तो यहां पर आपका न्यू रेशो आएगा ठीक है यहां पर मैं रेशो का नाम देता हूं CFO एबिडा ठीक है कंट्रोल ए कंट्रोल सी ठीक है शॉर्ट नेम में भी मैं वही डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में भी मैं वही डाल देता हूं यहां मेरा फॉर्मूला बनेगा CFO बाई एबिडा के फॉर्मूले में सबसे ऊपर आप क्या लोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ना कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो द दोनों में बहुत फर्क है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है आपको ना कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पीए क्या स्पैम कर रहा है भाई मिलन मिलन मैं निकाल दूंगा ठीक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इसमें आप देख रहे हो प्रीसीडिंग ईयर दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं लेना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है प्रीसीडिंग कैश फ्लो ये मैंने प्रीसीडिंग ईयर इसको मैं डिवाइड करूंगा और मैं यहां लिखूंगा एबिडा अरे ये क्या हो रहा है ठीक है ये क्या हो रहा है ठीक है एबिड्डा तो है ही नहीं ईवी बाय एबिड्डा वो भी मैंने बनाया है और एबिडा मार्जिन वो भी मैंने बनाया है तो एबिडा तो है ही नहीं एबिट है एबिट है तो क्या मैं एबिट से एबिडा बना सकता हूं क्या यस और नो क्या मैं एबिट प्लस डेप्रिसिएशन करूंगा तो एबिडा बन जाएगा क्या बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं और मैं लिखता हूं एबिट अब मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन प्रीसीडिंग ईयर का लिया है तो मैंने एबिट भी प्रीसीडिंग ईयर का लिया है है ठीक और मैं इसमें क्या प्लस कर दूंगा मैं इसमें प्लस कर दूंगा डेप्रीसिएशन भी प्रीसीडिंग ईयर का ले लिया है, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो अब क्या हो गया क्या ये सीएफ बाई एबडा बन गया क्या रेशियो आप समझिए आप कुछ नहीं करना है इसको शो प्रीव्यू पे जाना है और सेव कर देना ठीक है आपने जब इसको सेव करा और आप फिर टाटा मोटर्स ओपन करते हैं अपन ठीक है तो यह सीएफओ बाय एबिडा दिख रहा है आपको जीरो पॉइंट फाइव टू इसका क्या मतलब है वो समझना इसका मतलब ये है कि टाटा मोटर ने ये एबिड्डा होता है यहां स्क्रीनर पे दिस इज एविड्डा प्लीज अंडरस्टैंड टाटा मोटर ने दस हजार आठ सौ बीस रुपए का जो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है ठीक है दस हजार बीस रुपए का जो आठ सौ बीस रुपए का जो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है उसमें से बावन परसेंट पैसा वो घर पे लेके आ गया एक सेकेंड अब, क्या गड़बड़ोगी सी एफ ओ बाई एबिडा अच्छा एक क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं अपन ये टू में 2022 में 24,720 करोड़ रुपए का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट कमाया है ठीक है उसमें से आप देख रहे हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन चौदह करोड़ वो घर लेके आ गया 22 में से 14 घर लेके आ गया क्लोज टू 50, 52 परसेंट फिफ्टी लेके आ गया ठीक है हम है ना इससे एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हम किसी कंपनी में एक बेसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग अब पेन और पेंसिल लेके बिल्कुल तैयार रहना मैं जो आप लोग फिगर बताओगे वो फिगर मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा और लास्ट में अपन उसको एनालाइज़ करेंगे समझिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस मान लो मैं तीन साल के एनालिसिस करते हैं अपन अपन एनालिसिस करते हैं 2018 2019 या 2019 2020, 2021 का एनालिसिस ट्वेंटी ठीक है और अपन तीन कंपनियों का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले क्या आप लोगों में से किसी ने पराग मिल्क फूड्स का नाम सुना है पराग मिल्क फूड्स का नाम सुना है गो चीज का नाम सुना है गोवर्धन गाय का घी गोवर्धन गाय का घी ठीक है पराग मिल्क फूड्स ठीक सबसे पहले मैं एनालिसिस करता हूं पराग का हमारा पराग ठीक है सबसे पहले मैं एनालिसिस करता हूं पराग का 2019, 2020 और 2021. ना प्लीज अंडरस्टैंड मेरे को देख के बताओ जरा कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा और देख के बताइएगा मेरे को डिवाइड करिए आप डिवाइड करिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मार्च 2019 में 140 डिवाइडेड बाय 225 कितना आ रहा है 140 225 व्हिच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 0.62 बस दो चार लोग डाल दे सब लोग मत डाला करो ठीक है इसको मैं लिख दूं 62% ठीक है यानी पराग ने क्या करा है 2019 में जितना प्रॉफिट था उसका परसेंट पैसा कन्वर्ट कर लिया ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड 2020 देखिए 2020 में -66 डिवाइडेड बाय

एटी वन ठीक है अब एक कंपनी दूसरी पकड़ते हैं अपन क्या आप लोगों ने कभी भी अरुण आइसक्रीम का नाम सुना है क्या देर इज आइसक्रीम ब्रांड कॉल्ड इज अरुण आइसक्रीम वो रीजनल होगा यूजुअली यूजली आइसक्रीम रीजनल होती है हमारे यहां भी नहीं मिलता अरुण आइसक्रीम दैट्स ओके ठीक है तो उसका एक कंपनी है हटसन करके हटसन ठीक है हटसन करके देर इज दिस कंपनी मैं क्यों पीछे हूं भाई हाँ हटसन करके कंपनी है यस yes, वो ये रहा ये लिखा हुआ अरुण आइसक्रीम बनाती है ये देखिए क्या कर रही है अगली बार अगर मिलिन तेरा रिस्पांस आया मैं सिर्फ एक कंपनी पे करके बताऊंगा मेरे को आगे कवर करना है तो आई विल थ्रो यू आउट फ्रॉम द मीटिंग बेडी ये बात ध्यान रखना ठीक है चलो कोई बात नहीं इस बात पे मत कर तो क्वेश्चंस जो पूछने जेनविनली पूछ लें ठीक ये तू करना ना मैं मेरे से क्यों करवा रहे हो क्या ये लॉजिक सही लगा आपको मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे करना आप लोग करना अपनी कंपनीज़ पे जाके यस और नो हाँ मेरे से क्यों करवा रहे हो भाई ठीक है चलो हटसन देखो जल्दी से 2019, 2019 CFO, 375 डिवाइडेड बाय 375 डिवाइडेड बाय करिए कैलकुलेटर पे हाथ रखिए 448 कितना हो रहा है? 375 डिवाइड्ड बाय 448 कितना हो रहा है? 83 परसेंट हो रहा है। वेरी गुड। 2020, 2020 करो। 552 डिवाइडेड बाय 550 कितना हो रहा है? 552 डिवाइड्ड बाय 550 हंड्रेड बोल दे। ठीक है हंड्रेड बोल दे। वेरी गुड। 2021 देखो। फाइव वन एट 802 एट जीरो टू कितना हो रहा है फाइव वन एट डिवाइड बाई एट जीरो टू सिक्सटी फोर परसेंट हो रहा है एक और कंपनी है पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना हो नहीं सुना हो डोडला डेयरी करके कंपनी है इसका वेबसाइट खोलता हूं शायद ब्रांड लोगों देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये एक डेयरी कंपनी है जो दूध वगैरह बनाती इस है इस टाइप के दूध आते हैं इसके ठीक है नहीं, वो रीजनल है कोई प्रॉब्लम नहीं है कर्नाटक वर्नाटक में थोड़ा ज्यादा चलता है ठीक है तेलंगाना कर्नाटक नॉर्थ साउथ साइड में ज्यादा चलता है ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड डोडला डेयरी अपन ने खोला है अब डोडला का एग्जाम्पल देखो ठीक है 2018 सॉरी 2019 सी एफ ओ कितना है 2019 में वन वन एट डिवाइडेड बाई जल्दी से वन वन एट डिवाइड बाई वन वन सिक्स कितना हो रहा है वन वन एट डिवाइड बाई वन वन सिक्स कितना हो रहा है हंड्रेड हो रहा है ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ट्वेंटी ट्वेंटी का देखो वन जीरो थ्री डिवाइडेड बाय 99 नाइन कितना जा रहा है सौ चार परसेंट हो रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का देखो टू वन सेवन डिवाइडेड बाय टू वन एट कितना हो रहा है टू वन सेवन डिवाइडेड बाय टू वन एट नाइनटी नाइन परसेंट हो रहा है नाउ ठीक है सर अब समझना ये जो मैंने फिगर्स लिख दिए ना आपके सामने सी एफ ओ बाई एबिडा के फिगर्स हैं। कौन सी कंपनी को बाहर कर रहे हो तुरंत एनालिसिस देख के, देखते के साथ ही कौन सी समझ में आ रहा है कि कौन सी कंपनी कौन सी कंपनी में इशू आ रहा है क्या इशू आ रहा है कंपनी के अंदर कंपनी पैसे को जो प्रॉफिट कमा रही है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है उसको लेके नहीं आ पा रही है अपने पास तक हाँ के ना यस और नो अरे दूध का धंधा है दूध का धंधा उधारी पे चलता है क्या दूध के पैकेट का बिजनेस बताओ मेरी बात आप अरे दूध का पैकेट खरीदने जाओगे उधार देगा क्या उसको आठ आने तो कमाने हैं उसके ऊपर उसके ऊपर आप उसको आठाने तो कमाने हैं तो यहां पर कैसे आप कितने रिसीवेबल्स खड़े हुए हैं इतने रिसीवेबल्स कैसे खड़े हुए हैं कंपनी के ये देखिए कंपनी के इतने रिसीवेबल्स कैसे खड़े हुए हैं भाई वो प्रॉब्लम है देखो आप जो रिसीवेबल का अमाउंट है कंपनी के अंदर ठीक है एक तो ट्रेड रिसीवेबल और दूसरा यहां पर क्या है प्रॉब्लम क्या हो रही है इन्वेंट्री देख रहे हो आप कंटिन्यूसली कंपनी इन्वेंट्री बढ़ाते जा रही है यहां पर इन्वेंट्री की ग्रोथ और दूसरा नीचे आ जाओ आप सीधे इन्वेंट्री डेज आप देख रहे हो एक पॉइंट ऐसा आ गया था 2021 में 2021 में क्योंकि 21 21 21 तक का 2021, 22 का 22 एनालिसिस करा है 21 का एनालिसिस करा है 204 दिन की इन्वेंट्री डेयरी कंपनी की क्या 204 दिन की इन्वेंट्री होना चाहिए क्या कर रहा है 204 दिन तो एक्सपायर हो जाएगा पड़े पड़े 204 दिन की इन्वेंट्री मैं समझ रहा हूं कोविड पीरियड होगा बट आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्रॉब्लम क्या हो रही है और कोविड में दूध तो अलाउड था यार दूध वाला तो आ ही रहा था घर पे दूध देने के लिए ठीक है चीज नहीं है उतना ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड गाइस सब लोग ध्यान से सुनिएगा आप लोग है ना सिर्फ ये चीज देख के इंफ्रेंस नहीं निकालोगे कुछ भी कि क्या मैं पराग बेच दू क्या ठीक है क्या मैं हटसन और डोडला में से अच्छा इन तीनों में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी लग रही है आपको डोडला लग रही है लेकिन आप समझ रहे हो स्टैट्स जो होता है ना स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना इट इज ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट द स्टोरी यू आर टेलिंग मैंने आपको तीन साल का स्टार्ट दिखाया तो आपको बेस्ट डोडला लग रही है अगर मैं आपको पिछले पांच साल का स्टार्ट दिखाता तो हो सकता था गेम चेंज हो जाता यस और नो क्या गेम चेंज हो सकता था उसके बाद यस और नो मे बी हो सकता था ठीक है हो सकता था ठीक है इसमें मैंने रीसेंट ईयर्स इंक्लूड नहीं करें इसमें मैंने रीसेंट ईयर्स इंक्लूड नहीं करें ठीक है इसमें तो स्टैट्स के थ्रू आप जो स्टोरी सुनाना चाहो किसी को वो स्टोरी सुना सकते हो क्या आपको इतना समझ में आया है क्या कि सी ए फोर एबिडा का एनालिसिस आप आइसोलेशन में नहीं करोगे आप अपनी कंपनीज जो दूसरी पीयर कंपनीज हैं उनके साथ आप ये देखने की कोशिश करोगे कि आपकी कंपनी का कैश कन्वर्जन कितना एफिशियंट है यस और नो सबको समझ में आया नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एबिडा का बिजनेस वैल्यूएशन में क्या यूज होता है ठीक है एबिडा का बिजनेस वैल्यूएशन में क्या होता है उसके पहले उसके पहले मैं आपको है ना एक कंपनी का एबिडा यूजअली ऐसी मैं चाहता हूं कि मेरे को समझ में आए कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा अंडरस्टैंडिंग ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड देख के मेरे को बताइए एक कंपनी का नाम लीजिए जो पहली कंपनी आएगी उसको मैं पिक कर दूंगा एशियन पेंट्स बस हो गया हो गया वैल्यूशन थैंक यू स्क्रीन इज ब्लर इज स्क्रीन ब्लर यस स्क्रीन इज ब्लर अब नहीं है ब्लर ठीक है अब नहीं है ब्लर अब ठीक है क्लियर है बिल्कुल चल आई मे नॉट बी ऑन द स्क्रीन फॉर सम टाइम दैट्स ओके दैट्स ओके बट आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए मैं भी आ गया भाई ये लो स्क्रीन पे कोई दिक्कत नहीं क्या करेंगे अपन एशियन पेंट्स का सीधे नीचे उतरेंगे और फाइनेंशियल लास्ट ईयर की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे यहां आप ढूंढे लो आपको एबिडा नहीं मिलने वाला है इनकम स्टेटमेंट जाके देखते हैं सीधे नीचे उतरो जो ऑडिटर रिपोर्ट होगी उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट मिलेगी ये बोर्ड रिपोर्ट है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट है ये बैलेंस शीट है एंड एल है ये कैसे दे रहा है भाई एबिडा एक सेकेंड अच्छा इन्होंने दिया यूजअली एबिड्डा भी रहता नहीं है ठीक है इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि ये लोग दे रहे हैं बट आप इसके अलावा कोई भी और रिपोर्ट खोल के देखोगे एक कंपनी और बताओ टाटा भी दे देगा दे रहा होगा क्योंकि आपको हर कंपनी में एबिड्डा नहीं मिलेगा ना इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एबिड्डा कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बैलेंस शीट से इनकम स्टेटमेंट से जहां कैलकुलेटेड है उसको दिखा के क्या मतलब है स्टैंड अलोन नहीं कंसोलिडेटेड चाहिए ये रहा कितना कितना स्वीट और सिंपल कोई देख के बोल ही नहीं सकता ऐसा लग रहा है सर इलेवेंथ का क्वेश्चन आया है अकाउंटिंग का कौन बोलेगा इसको देख के ठीक है इसको देख के कौन बोलेगा कि ये टीसीएस की बैलेंस शीट है टीसीएस की इनकम स्टेटमेंट ऐसा नहीं लग रहा है छोटी सी कोई इलेवंथ या ट्वेल्थ क्लास का आर एस अग्रवाल या उसका टीसी गरेवाल का क्वेश्चन आ गया ठीक है कितना क्लियर कट बिल्कुल बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल में लग रहा है देखो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वन नाइन वन अदर इनकम ये तो टोटल टोटल इनकम ये हो गई यस और नो ठीक है इसमें एक्सपेंसेस मेरे को सिर्फ बताते जाना है एबिडा के अंदर वो एक्सपेंसेस माइनस करोगे कि नहीं करोगे ठीक है क्या इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस माइनस होंगे एबिडा कैलकुलेट करने में हा के ना जो नो बोल रहे हैं वो ध्यान से समझिए क्या वो खर्चे ठीक है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और जो उसने रिटर्न ऑफ कर दिया रिटर्न ऑफ मतलब दिस इज नॉट डिप्रिसन उसने एक्सपेंस ही कराया उसका क्या ये वन वन सिक्स थ्री का अमाउंट माइनस होगा यस और नो एवरी वन ठीक है क्या अदर एक्सपेंसिस के जो बड़ा खर्चा ट्वेंटी नाइन नाइन एट्टी का है माइनस होगा हाँ होगा क्या फिनेंस कॉस्ट माइनस होगी एबिडा निकालने में क्या डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस माइनस होगा एबिडा निकालने में क्या प्रोविजन माइनस होगा कुछ भी किसी भी तरह का अगर प्रोविजन बना हुआ है तो माइनस होगा एक बात समझिए जब आप माइनस करोगे तो आप 195772 में से करोगे या 191754 में से करोगे इसका मतलब जो टॉप लाइन है जो रेवेन्यू में से आप माइनस कर रहे हो वो टोटल इनकम में से माइनस करोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करोगे इसका मतलब क्या आप अदर इनकम कंसिडर करोगे जब आप एबिडा कैलकुलेट करते हो तो क्या अदर इनकम कंसिडर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि एबिडा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एबिडा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अदर इनकम जरूरी नहीं है प्रॉफिट से हो ठीक है इट इज नॉट नेसेसरी अदर इनकम ऑपरेशन से हो एक बात समझिए मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा सा ध्यान देना आप समझ में आ जाएगा आपको तुरंत थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं आपको इधर लेके आ रहा हूं फिर से Before we start this, before we move ahead, guys bore तो नहीं हो रहा बिल्कुल भी boriyat ठीक है बिफोर वी मूव अहेड ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड एक बात समझिएगा जो आपका रेवेन्यू होता है ना जो आपकी टोटल इनकम होती है वो एक्चुअल में दो पार्ट होते ही नहीं है उसके तीन पार्ट होते हैं ठीक है एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम कोर ऑपरेशंस एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर ऑपरेशंस और एक होती है अदर इनकम क्या ये चीजें समझ में आ रही है मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल क्या किसी कंपनी के ऊपर ले जाके एक सेकंड लगेगा बस देखें लाइव एग्जाम्पल देखो सो देर इज दिस कंपनी कॉल्ड अपोलो पाइप्स क्या नाम सुना है आप लोगों ने स्टील के पाइप्स बनाती है कंपनी कुछ भी नहीं करेंगे जाके खोल के देख लेते हैं बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट एक सेकेंड लगेगा एनुअल रिपोर्ट ओपन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है क्या समझ में आ रहा है ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या करता हूं सीधे अदर इनकम पे फिल्टर मारता हूं देखो नोट नंबर ट्वेंटी थ्री नोट नंबर ट्वेंटी फोर ठीक है नोट नंबर ट्वेंटी थ्री नोट नंबर ट्वेंटी फोर ठीक है ट्वेंटी थ्री नंबर का नोट पढ़ना है नौ बारह ट्वेंटी फोर ये रहा प्लीज अंडरस्टैंड यहां से लेकर के यहां तक ये यह जो ए बन रहा है ना आपका ए ए वाला जो टोटल सेल्स का फिगर है ये वाला सेवन एट जीरो आ रहा है इसमें आ रहा है सेल ऑफ प्रोडक्ट फिनिश गुड कितना कितना बेचा विद इन इंडिया कितना बेचा आउटसाइड इंडिया कितना बेचा और ट्रेडेड गुड्स कितने ट्रेडेड गुड मतलब किसी और का माल खरीद के मैं बेच रहा हूं ट्रेडिंग कर रहा हूं गुड्स की ठीक है तो ये जो आ रहा है ये सेल है क्या ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम कोर ऑपरेशन है हाँ के ना बिल्कुल है ठीक है समझिए जब कंपनी पाइप बनाती है तो डेफिनेटली स्टील आता होगा रॉ मटेरियल के फॉर्म में स्टील को गला के तो स्टील की शीट्स आती होंगी मोटी मोटी ठीक है उनको कट करके मशीन के थ्रू गैलवेनाइज करके कट करके पाइप में कन्वर्ट होती है तो उस केस के अंदर क्या थोड़ा स्क्रैप बाहर निकलता होगा मेटल का मेटल का क्या स्क्रैप बाहर निकलता होगा समझना ठीक है वो जो स्क्रैप सेलिंग होगी उससे जो आप बोलोगे सर स्क्रैप कितने होगा अरे तीन सौ छब्बीस करोड़ रुपए का स्क्रैप है नेग्लेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं तीन सौ छब्बीस करोड़ रुपए का स्क्रैप है कैसे मना कर दोगे कि बुक नहीं करेगा प्रॉफिट कंपनी मजाक है क्या ठीक है तो थ्री ट्वेंटी सिक्स लाख में भी अगर फिगर है वो मान लो लैक्स के अंदर मिलियंस में फिगर होंगे वैसे क्योंकि सेवेंटी एट दस बिलियन डॉलर की सेल थोड़ा है अपोलो की ठीक है तो जो स्क्रैप है ठीक है थ्री ट्वेंटी सिक्स अभी सीआर मान लो थ्री ट्वेंटी सिक्स सी है तो क्या ये स्क्रैप नॉन कोर एक्टिविटी से निकला है है तो ऑपरेशन का पार्ट बट दैट इज नॉट द कोर ऑपरेशन भंगार बेचना काम थोड़ा है अपोलो पाइप का कि भंगार का काम कर रहे हैं समझ रहे हो अच्छा कोई भंगार बनाने वाली कंपनी है और वो फिनिश गुड्स बेच देती है किसी साल में तो क्या वो फिनिश गुड उसके लिए नॉन कोर ऑपरेशन हो जाएगा यस और नो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा पत्थर की लकीर नहीं है क्या कंपनी टू कंपनी डिफर करेंगी चीजें ठीक है और अदर ऑपरेटिंग इनकम अदर इनकम देखिए क्या है अदर इनकम क्या बोल रहे हैं अदर इनकम में क्या आ रहा है 24 नंबर का जो था इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट कंपनी ने कोई फिक्स डिपॉजिट करा है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है ठीक है क्या कंपनीज स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती हैं किसी ने मना कराया गया कंपनी को स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कैसा बोला है क्या किसी ने कि स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको आज के बाद ऐसा तो नहीं है कंपनी जब चाहे तब स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती यस और नो ठीक है तो क्या उस स्टॉक से डिविडेंड भी आता होगा कंपनी को डिविडेंड आता होगा कंपनी को क्या वो डिविडेंड जो कंपनी को आता है क्या जो डिविडेंड कंपनी को आता है बोल सकता हूं मैं वो डिविडेंड जो है दैट इज नॉट द कोर इनकम दैट इज नॉट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है वॉट इज इट अदर इनकम है तो वो इनकम को मैं एबिडा में क्यों लेके आऊंगा क्या चीज समझ में आ रही है मैं बहुत डेप्थ में चल रहे हैं अपन लोग इस समय क्या चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है चलो प्लीज अंडरस्टैंड एबिड बिजनेस वैल्यूएशन में इसका क्या यूज है वो समझना ठीक है आप एक बात देखना कि ये पढ़ लेना आप लोग आप लोगों के लिए दिया हुआ है मैंने मैं प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर वो चीज समझने की कोशिश करना जो वैल्यूएशन होता है ना जो भी किसी कंपनी का वैल्यूएशन होता है वो हमेशा ध्यान रखना वो कंपनी की फ्यूचर कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है ना कि फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेबिलिटीज पे क्या दोनों में समझ में आ रहा है फर्क क्या हो रहा है कंपनी फ्यूचर में कितना कैश जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसका आज वैल्यूएशन निकलेगा ना कि कंपनी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट जनरेट करेगी यस और नो एवरी बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ठीक है जब बात ही कैश पे आके रुक गई है जब बात ही कैश पे आके रुक गई है तो इसका ये सिंपल सा मतलब है कि वैल्यूएशन में सब कुछ कैश के बेसिस पे डिपेंड करता है क्या आप लोगों ने ये चीज सुनी एफ सी एफ एफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी एफ सी एफ ई ठीक है फ्री कैश फ्लो टू फर्म फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी ये सब सुना है आप लोगों ने सुना है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस एक बात समझ एक बात समझ एबिड्डा का इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कंपनी का एबिड्डा जो आया ठीक है फॉर्म के पास कितना कैश फ्लो बचा है वो समझ रहे हैं हम हम कंपनी का जो एबिड्डा या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ठीक है वो मान लो हजार करोड़ रुपए का आया ठीक है इसमें से मैंने टैक्स का अमाउंट बाहर कर दिया मैंने टैक्स का अमाउंट बाहर कर दिया कितना हुआ टैक्स का अमाउंट से फॉर एग्जांपल मान लो इसमें से 300 करोड़ रुपए टैक्स का अमाउंट बाहर हुआ तो ये मेरा 700 हंड्रेड इधर फिगर आया ठीक है अभी क्या हो रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रीसिएशन एंड अमोटाइजेशन डेप्रिसिएशन तो आपको वैसे भी कंसिडर नहीं करना है पहले क्या करते हैं यूजली लोग अगर आप एकेडमिकली पढ़ोगे तो पहले वो डेप्रिसिएशन माइनस करता है फिर एबिट निकलता है ठीक है फिर वो टैक्स निकालता है फिर वो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देता है यही करता है ना फिर डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है बाद में तो मैंने डेप्रिसिएशन कंसिडर ही नहीं करा डेप्रिसिएशन के बिना ही मैंने टैक्स कैलकुलेट करा है क्योंकि मेरे को मार्क्स नहीं देना है ना। आपको ना एग्जाम पास करना है ये चीज पढ़ के आपको तो प्रैक्टिकल चीज सीखनी है तो टैक्स फील्ड जैसा काम कर रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस ये चीज ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इसके आगे नाउ ये जो आपका निकला है ठीक है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं है क्या ये बोल सकता हूं मैं कैश बिफोर कैश बिफोर अच्छा इसके अंदर एक चीज और है ज इन वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हो जाएंगे हाँ के ना? Everyone. अरे बाबा जो भी मतलब सरल भाषा में समझाता हूँ सरल भाषा में समझ जाना ठीक है वाई चेंजेस इन नॉट पूरा वर्किंग कैपिटल सरल भाषा में समझाता हूं सरल भाषा में, में, में समझ जाना इस साल में टोटल जो करंट असेट इंक्रीज हुए हैं वो मान लो 500 के इंक्रीज हुए आप तो समझ लो सिर्फ एक ही करंट एसेट है अपने पास पूरे बिजनेस में डेटर ठीक है कि सिर्फ डेटर है जो रिसीवेबल है वही मेरा करंट असेट है और जो करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं इस साल में वो 200 की इंक्रीज हुई है अगर ये डेटर पूरा का पूरा पैसा दे देते फॉर एग्जांपल तो क्या मेरे पास ₹500 ज्यादा आता इस साल में हां के ना ज़्यादा आता लेकिन वो डेटर्स ने हराम खोरी कर दी उन्होंने पैसा नहीं दिया ठीक है पांच सौ रुपए उधार पड़ा है तो क्या वो पांच सौ रुपए मेरे पास कम आया है यस और नो सिमिलरली जो दो सौ के पेबल्स बढ़े मेरे पास अगर ये मेरे पास अपफ्रंट में कैश में बाय कर देता जो परचेज मैंने करी है वो कैश में कर लेता अगर मैं तो क्या दो सौ रुपए मेरे पास से चले जाते सिंस मैंने टू हंड्रेड रुपीज का आउटस्टैंडिंग छोड़ दे कि यार अगले हफ्ते दे दूंगा या दस दिन बाद दे दूंगा या तीन महीने बाद दे दूंगा तो वो दो सौ रुपए का कैश मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना हुआ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज तीन सौ तो क्या ये तीन सौ रुपए मेरे धंधे में ब्लॉक है इस समय क्या ये तीन सौ रुपये बिजनेस में ब्लॉक हो गए कैश ब्लॉक हो गया है ये तीन सौ रुपए में यहां से माइनस कर दूंगा ये जो आएगा मेरे पास ये एफ आएगा फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म आएगा येस और नो एवरी ठीक है भाई यही फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म जो है ना उसको क्यों फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म बोला जाता है पूरी पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यस सॉरी लेस कैपेक्स जो भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है बिजनेस रन करने के लिए ठीक है जो भी बिजनेस रन करने के लिए तो मान लो आपको इसमें हंड्रेड रुपीज का कैपेक्स भी आपने लगा दिया इस साल ठीक है ये वाला जो आपके पास तीन सौ रुपया यहां पर आया एफ सी एफ 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 सी एफ एफ में जो तीन सौ रुपया यहां पर आया है आपके पास ठीक है वो तीन सौ रुपया जो है ना उसपे किसका अधिकार है क्या मालिक का अधिकार है कंपनी के क्या मालिक चाहे तो तीन सौ रुपये कंपनी के बाहर निकाल के ले जाएगा क्या नहीं कौन आएगा इसके पहले मालिक के पहले किसको पैसा मिलेगा डेट को मिलेगा ठीक है डेट को मिलेगा सिंपल सा लॉजिक है तो इसमें से क्या क्या चीज रिड्यूस होंगी इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस रिड्यूस होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस रिड्यूस होगा और इसमें से क्या रिड्यूस होगा नेट डेट प्रोसीड मतलब आपने कितना नया पैसा उधार लिया माइनस कितना पैसा रीपे किया आपने कितना पैसा उधार लिया माइनस कितना पैसा रीपे किया हटा रहा हूं मैं वो चीज वो चीज एज इट इज एज इट इज यहां से रिड्यूस होगी और फिर जो मेरा फिगर निकल के आता है वो एफ सी एफ ई निकल के आता है तो आप देख रहे हो नेट बोरिंग हाउ नेट डेट नेट डेट बोरिंग नेट डेट प्रोसीड ठीक है वो जो मेरा वो जो मेरा वैल्यूएशन है ठीक है जो मेरा वैल्यूएशन है इसमें जो स्पिरिट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एबिडा है ठीक है आप बार बार ये तो मैंने डीसीएफ के बारे में बताया जब आप रिलेटिव प्राइजिंग करोगे रिलेटिव प्राइजिंग का आपने अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला सीरीज देखा होगा तो रिलेटिव प्राइजिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है वो कौन सा है बाय मल्टीपल है क्यों ईवी है जो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा है एक रुपए का उसके अगेंस्ट कंपनी की वैल्यू कितनी है क्या ये चीज सबको समझ में आई है यहां तक ठीक है ये आप लोग प्लीज पढ़ना में ये आट, अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ये पूरी शीट मिल जाएगी आपको अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बताना चाह रहा हूं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर ये समझोगे तो फायदे में रहोगे ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड जो एबिडा होता है ना वो कई सारे बिज़नेसेस के लिए अलग अलग हो सकता है ज़रूरी नहीं है हर बिजनेस पे एबिडा चल जाए जिस बिजनेस में जो चीज़ जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, हम डी मार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं अब हालांकि है इसको कंपेयर करने के लिए कोई ढंग की कंपनी बची नहीं है कंपेयर करने के लिए कोई अच्छी कंपनी बची नहीं है बट आपको क्या लगता है डी मार्ट का क्या डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगा क्या डीमार्ट का जो फिक्स असेट है उसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट किस चीज का है बिल्डिंग है कि लैंड है अरे लैंड है, वैल्यू वाइज बोल रहा हूँ ना बाबा वैल्यू वाइज बोल रहा हूं बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट हो जाएगी लैंड है ठीक है अब मान लो एक कोई दूसरा कंपनी उतर के आता है बाजार में ठीक है कोई दूसरा कंपनी उतर के आता है बाजार में उसको मान लो वो है ए मार्ट डी मार्ट है वो ए मार्ट है अंबानी मार्ट ठीक है डी मार्ट का जो नेट प्रॉफिट होता है अगर आप डी मार्ट का नेट प्रॉफिट देखोगे तो पांच परसेंट से 6 के बीच में रहता है ठीक है अंबानी मार्ट का जो नेट प्रॉफिट है वो तीन परसेंट आ रहा है तो ऐसा कैसे ये एक परसेंट का गोची कैसे हो रहा है क्या रीजन है अंबानी को क्या ज्यादा पे करना पड़ रहा होगा एक क्या डिप्रिसिएशन अंबानी को ज्यादा लग रहा होगा बिल्कुल भी नहीं रेंट यस और नो अरे क्या रेंट अंबानी को पे करना पड़ रहा है जो डी को पे नहीं करना पड़ रहा है तो ये जो डी का एक्स्ट्रा वन परसेंट का अल्फा जनरेट कर रहा है डी उसके बेंच से दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग एफिशियंसी दैट इज बिकॉज दैट इज नॉट द बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग एफिशियंसी ऑफ द बिजनेस कोर जो धंधा है ग्रोसरी का किराने का जो व्यापार है उसके अंदर उसने कोई एफिशियंसी नहीं लेके आया वो एफिशियंसी कैसे मिली उसको उसको एफिशिएंसी मिली है क्योंकि उसको रेंट नहीं देना पड़ रहा है तो जब आप डी मार्ट और अंबानी को ऐसे कंपेयर करोगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा क्लियर कट कि यार अंबानी मार्ट तो खराब कंपनी डब्बा कंपनी है लेकिन अगर आप यहां पर एक रेशियो बनाते हो विच इज ई बी आई टी ए आर इसमें आर क्या है रेंट है इसमें आर क्या है है। रेंट है इसमें आर रेंट है यस और नो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको सब लोग बताइए यस और नो एवरी अरे भाई ये जो एक्स्ट्रा चार परसेंट एक्स्ट्रा वन परसेंट जो पैसा कमा रहा है डी ठीक है जो डी एक्स्ट्रा वन परसेंट पैसा कमा रहा है ठीक है डी जो एक्स्ट्रा वन परसेंट पैसा कमा रहा है ठीक है वो क्यों कमा रहा है अंबानी मार्ट तो तीन परसेंट कमा रहा है डी मार्ट क्यों कमा रहा है

क्या एक ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस होता है उसमें क्या रेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सोच के बताइए जो भी क्यू एस आर होते क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स डोमिनोज़ पिज्जा हट के क्या यहां पर रेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ठीक है तो रेंट के कारण उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसे समझ में आएगी अपने को तो रेंट को बाहर रखना पड़ेगा ना तो एबिट डार होता है एबिडार में आर क्या है आर इज रेंट और नो ठीक है सर ऐसे तो कोई भी रेशो बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं बनता ही है अरे बनता ही है मैं क्या बोल रहा हूं देखो एबिट डाक बना दिया था एबिट डाक बना दिया था एबिट डाक में सी क्या है कोरोना वायरस से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हुए थे कंपनी के अरे हुए थे कोरोना वायरस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर इंप्लॉइज को टीका लगा था कोई इंप्लॉइज जो मर गया था उसको कंपनसेट किया था कंपनी ने जो कोविड के दौरान जो एडिक एक्स्ट्रॉडनरी खर्चे हो गए थे कंपनीज के वो सब कंपनी ने बाहर कर दिए वन ऑफ एक्सपेंडिचर है सर इसी के कारण तो यही तो रीजन है ठीक है यही तो रीजन है ये तो मैंने बता दिया आपको एबिडा कैसे कैलकुलेट होगा आप लोग देखना है इसको आराम से जो हमने समझा है वही बताया ठीक है यही तो रीजन है सर कि आप एडजस्टेड एबिडा निकाला जाता है यस और नो दिस इज द ओनली रीजन वाई एडजस्टेड एबिडा करके एक वर्ड यूज होता है बार बार देखा है आपने अभी आतंक मचा रखा है स्टार्टअप्स ने Zomato, ओयो ठीक है इन सब ने आतंक मचा रखा है पेटीएम यस yes. यार आप मेरे को एक बात बताओ अभी ओयो का स्टेटमेंट था ठीक है अभी ओयो का स्टेटमेंट था कि हम लोग अपोलो टायर्स बिल्कुल सही पकड़े हिम्मत कि हम लोग एबिडा पॉजिटिव हो जाएंगे मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये संभाल के रखना आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है मैं इस पर बात करना चाहता हूं इसको मैं पूछूंगा बाद में जवाब देना मेरे को क्वेश्चन फिर से भेज भेजना ओयो ने बोला अगले साल के एंड तक हम लोग एबिडा पॉजिटिव हो जाएंगे क्या वो एबिड्डा पॉजिटिव बोल रहे हैं एडजस्टेड एबिडा पॉजिटिव बोल रहे हैं क्या बोल रहा था वो रितेश अग्रवाल एबिड्डा पॉजिटिव होगा या एडजस्टेड एबिड्डा पॉजिटिव होगा एडजस्टेड एबिड्डा पॉजिटिव होगा एडजस्टेड एबिड्डा का मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है जो मैंने एबिडार बताया क्या वो एडजस्टेड एबिड्डा है यस और नो ठीक है एक बात समझिए ठीक है एक बात समझिए हम जोमैटो का एग्जाम्पल लेते हैं या हम ओयो का एग्जाम्पल लेते हैं या हम पेटीएम का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड दिस पेटीएम के एग्जाम्पल में मान लो अच्छा एक बात मेरे को समझाओ जब हमने इनकम स्टेटमेंट से एबिडा कैलकुलेट किया था तो क्या हमने इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर माइनस करे थे क्या मैंने इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर माइनस किए थे किए थे बिल्कुल किए थे ठीक है अब अगर कंपनी कंपनी देती देती है e देती है तो क्या ईशॉप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है यस और नो अरे बाबा ईशॉप e देखें देखो समझो ना ई सॉप नहीं तो टैली कैसे होगी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा और वहां पर पीएनएल कम हो जाएगा रिजर्व कम हो जाएंगे आपके और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा समझ में आ गई ये चीज ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड बट इट दैट वेयर इनडेस अकाउंटिंग ऑन रीज प्लेज रोल इनडीएस तो है ही नहीं एबिडा के अंदर तस्नीम एबिड्डा के अंदर इनडीएस की कोई बात ही नहीं होगी इट इज नॉट अ मेट्रिक गिवन बाई एनी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्लोबली ठीक है समझो मेरी बात पेटीएम को चीज समझ में आ रही है कि मेरे को एबिडा पॉजिटिव करना ही पड़ेगा किसी कम, कभी ना कभी कंपनी को क्यों करना पड़ेगा एबिडा पॉजिटिव क्या आपको लगता है जैसे ये न्यूज मार्केट में आएगी एबिडा पॉजिटिव हो गई कंपनी आप समझो ना यार मार्केट में जो अवेयर लोग हैं उनकी क्या परसेंटेज लेस देन टू परसेंट है दो तीन परसेंट लोग हैं जो जो अवेयर होते हैं किसी भी कंपनी के जो परसेंटेज ऑफ स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर होते हैं आप और मैं समझ जाएंगे कि साला चतराई कर रहा है ठीक है बाकी 95 फाइव परसेंट नाइनटी परसेंट जनता तो बेवकूफ है उन्हीं को तो बेवकूफ बनाना है और क्या मीडिया मैनेजमेंट करती है कंपनीज अरे ओयो है पेटीएम है ये सी एन बी सी टीवी एटीन पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं? तो अगर बोल देंगे हेडलाइन चला दो तो चलाएगा कि नहीं चलाएगा बिल्कुल चलाएगा क्यों नहीं चलाएगा जैसे ही पेटीएम ने रिजल्ट निकाला मैं अभी अपन जोमैटो का रिजल्ट देखते हैं स्टडी करने की कोशिश करेंगे जैसे ही पेटीएम ने रिजल्ट निकाला हंगामा मचा दिया जी बिजनेस ने और सी ने क्या हंगामा मचा दिया क्या हंगामा मचा दिया ये बोल दिया कि भैया नेट एबिडा पॉजिटिव कंपनी हो गई यस और नो यही बोला होगा कंपनी दौड़ दौड़ से चिल्ला चिल्ला के ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड क्या कंपनी कंपनी को समझ में आ रहा था कि मेरे को कैसे भी करके एबिडा पॉजिटिव होना है तो कंपनी ने क्या जुगाड़ निकाला है पता है कंपनी ने एनालाइज करी उसकी इनकम स्टेटमेंट उसको समझ में आया साला तब तक नहीं हो सकते जब तक ईसॉप e देना बंद नहीं करेंगे अपन क्या कंपनी ईसॉप e देना बंद कर सकती नहीं कर सकती ठीक है तो वो क्या करेगी पता है वो एबिडा माइनस ईसॉप इक्वल्स टू एडजस्टेड एबिडा कर देगी माइनस ईसॉप इक्वल्स टू एडजस्टेड कर देगी ठीक है क्या एबिडा में आप कोई भी एडजस्टमेंट करते हो तो वो एडजस्टेड बन जाता है यस और नो में आप कोई भी एडजस्टमेंट करते हो तो एडजस्टेड एबिडा बन जाता है यस और नो मतलब एबिडा के कैलकुलेशन के टाइम पर ही ईसॉप को प्लस कर देंगे मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं माइनस करेगी तो और नेगेटिव हो जाएगा ना यानी ईसॉप को कंसिडर ही नहीं करेंगे एविडा के कैलकुलेशन में यानी कैसा करेंगे समझिए कंपनी का सेल्स थाउजेंड करोर्स सी 200 जी एस टू हंड्रेड बचा आठ सौ ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से रिड्यूस करा एस जी एंड ए एक्सपेंसेस विदाउट कंसीडरिंग एम्प्लॉय बेनिफिट ऐसा समझ लो ठीक है तो वो हो गया दो सौ नीचे आया 600 इसमें से हुई सैलरी तो कितनी हुई सौ की सैलरी हुई और गया ई सॉप दो सौ का ई हुआ कितना हो रहा है तो चार पाँच छः तीन सौ एबिड्डा अभी कितना आ रहा है तीन सौ आ रहा है ठीक है अब मेरे को एबिड्डा बढ़ाना है ठीक है मेरे को एबिड्डा बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा पता है मैं यहाँ से है इसको बाहर कर दूंगा और मैं यहां नीचे लिख दूंगा एडजस्टेड एबिडा और इधर में दो स्टार बना दूंगा ठीक है अब कितना आ रहा है अब जो पहले मेरा 300 आ रहा था अब वो मेरा सीधे सीधे बढ़ के पांच हो गया क्या ये चीज समझ में आ रही है कंपनीज यही करती हैं कंपनीज यही बार बार करती है ठीक है तो एडजस्टेड एबिडा ठीक है मैं क्या क्या चीजें हट सकती हैं ठीक है कॉमन एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं ये तो कॉमन एडजस्टमेंट है जो एबिडा कैलकुलेशन में होते हैं ठीक है थीके? लेकिन इसके अलावा कंपनीज और क्या क्या हटा सकती हैं बहुत सारी चीजें हटा सकती हैं जो कंपनी को लगता है कि यार इसके कारण मेरी प्रॉब्लम हो रही है क्या उसको हटा सकती है क्या एबिडा एक मिनट एबिडा विदाउट मार्केटिंग एक्सपेंस हो सकता है अगर कोई कंपनी हैवी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कर रही है तो जैसे मामा अर्थ मामा अर्थ का आपने देखा था अभी आईपीओ आया था तो बबाल मचा था बहुत मामाथिजम मार्केटिंग कंपनी यस और नो क्या वो एडजस्टेड एपिटा ला सकती है खुद का कुछ भी बना लो किसने रोका है कौन है आपको रोकने वाला आपको जो करना है वो करिए सर सरकार आपकी है ठीक है एक मिनट समझना लास्ट चीज और ये आपका होमवर्क होगा आज का इस सेशन का ठीक है और मैं चाहता हूं कि आप लोग यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स के अंदर ये चीज़ फुटअप करें ठीक है अगर आप चाहते हो अगली मास्टर क्लास हो तो कमेंट्स जाने चाहिए मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा नहीं तो मैं नहीं लूंगा ठीक है देखना ध्यान से जोमैटो कि मैं क्या करता हूं मैं ट्रांसक्रिप्ट ओपन करता हूं ये वाली कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट ओपन करता हूं यहां पर अगर आप एडजस्टेड वर्ड सर्च करते हो ठीक है तो आपको चार बार देखेगा ठीक है आपको क्या करना है ना कॉन कॉल और 2022 का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये वाली ये आ चुकी है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्यों नहीं है मैम दैट्स व्हाट आई एम यू नो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जोमैटो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस करके आप सर्च करेंगे आप जोमैटो का वेबसाइट पे जाएंगे ठीक है आप नीचे उतरेंगे और आप क्या करेंगे आप करेंगे क्वार्टर थ्री एफ आई ट्वेंटी थ्री इसको ओपन करेंगे ठीक है इसको ओपन करेंगे और यहां पर आप एडजस्टेड एबिडा ये वर्ड सर्च करोगे क्या आपको दिख रहा है बत्तीस बार एडजस्टेड एबिडा वर्ड आया थर्टी टू टाइम्स ठीक है आपको है ना जहां भी एडजस्टेड एबिडा लिखा हुआ है ठीक है वो सब चीजें देख के समझनी है ठीक है कि ये एडजस्टेड एडजस्टेड रेवेन्यू और द टेबल बिलो गिव्स अ क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ एडजस्टेड रेवेन्यू एंड एडजस्टेड एबिडा ठीक है एडजस्टेड एबिडा कैसे आया है ठीक है क्या देखो ये हमेशा कभी भी कोई चीज समझनी हो ना तो टेबल में मत घुसो ये टिप ले लेना ले आप मेरे से फाइनेंशियल एनालिसिस का टेबल में मत घुसो आप सीधे नीचे आ जाओ यहां पर आपको पूरी राम कहानी मिल जाएगी एडजस्टेड एबिडा डिड नॉट इंक्लूड द रेंटल एक्सपेंस ऑन सर्टन लीजेस ठीक है एडजस्टेड एबिडा लॉसेस एडबैक कर दिया उसको लीज के लॉसेस को एडबैक कर दिया ठीक है एक आपको ये पूरा ढंग से पढ़ना है ठीक है एंड आई वॉन्ट कुछ मत करना आप, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना जो भी आपको लग रहा है कि ये सही है वो आप बताना मेरे को लाके ठीक है और यहां पर भी यहां पर भी जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की Zomato की यहां पर आप एडजस्टेड एबिडा वो टाइप करेंगे मिलेगा हंड्रेड परसेंट मिलेगा क्या बोलना चाह रहे एडजस्टेड एबिडा को समझाए बिना वो ही नहीं सकता रिपोर्ट क्लोज ही नहीं हो सकती जब तक एडजस्ट क्या कर रहा है उसने ई e सॉप कर दिया ठीक है ये एडजस्टेड एबिडा का कैलकुलेशन देख रहे हो आप इसके अंदर एक आइटम उसने ऐड कर दिया क्योंकि उसने पीएनएल से स्टार्ट किया ना उसने सेल से स्टार्ट नहीं किया तो क्या कर रहा है इस पीएनएल के अंदर लेस कर रहा है अदर इनकम बिकॉज अदर इनकम क्या अदर इनकम पार्ट होती है क्या हेबिडा की यस और नो इज अदर इनकम अ पार्ट ऑफ एबिडा नो no. तो उसने पीएनएल में से क्या माइनस करा अदर इनकम को माइनस कर दिया फिर उसने ऐड क्या करा डेप्रिसिएशन को ऐड करा क्यों ऐड करा डेप्रिसिएशन को क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ठीक है फिर एक्सेप्शनल आइटम को ऐड करा एक्सेप्शनल आइटम को क्यों ऐड करा क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है नॉन कोर है वन सीना अ होगा रोज रोज थोड ना होगा फिर उसने ईसॉप e को ऐड कर दिया क्या ईसॉप e ऐड होना चाहिए था आइडियली सोच के बताइए

एबिडा अपडाउन अपडाउन जो हो रहा है अच्छी कंपनी कभी नहीं करेंगी क्या आपने देखा एशियन पेट हमने खोला उसने एबिडा इनकम स्टेटमेंट में ही मार के दे दिया आपको कि ले भाई देख मेरा एबिडा कितना है कोई दिक्कत नहीं मेरे को मैं दिखाता हूँ सर वाई कंपनीज डू नॉट शो एबिड्डा ठीक है उसका रीजन है जो शेड्यूल थ्री होता है कंपनीज एक्ट का ठीक है वो अलाउ ही नहीं करता है नहीं आप समझे नहीं आप यहां कंफ्यूज हो रहे हो मेलन मैंने सेल से शुरू किया था मैंने सेल से शुरू किया था इसलिए मैंने ईसॉप माइनस करा था इसने प्रॉफिट से शुरू किया तो ये ईसॉप को ऐड करेगा ना उस प्रॉफिट में जब ये इसने प्रॉफिट निकाला होगा ये वाला प्लीज़ अंडरस्टैंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकला होगा नेगेटिव वाला तो इस समय इस समय क्या ईसॉप माइनस हुआ होगा यस और नो ईसॉप सॉप माइनस हुए होंगे तो उसको जब एडजस्टेड एबिड दे निकालना है जब उसको एडजस्टेड एबिड निकालना है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा आई होप ये समझ में आया होगा सबको ठीक है आप और देखिए नीचे क्या दे रहा है ये आपको एडजस्टेड एपिडा रिकन्सिलेशन कैसे हो रहा है वो देखो आप ये एडजस्टेड एपिडा का ही हमने पढ़ा है इसके अलावा क्या दे रहा है ये रहा ठीक है आपको क्या करना है ना आपको नेट पे रिसर्च करनी है अब ठीक है और आपको नेट पे रिसर्च करके आपको नेट पे रिसर्च करके मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ गिव अवे ले लेना मेरी तरफ से एक आपको नेट पे रिसर्च करके ज्यादा नहीं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि एबिड्डा एबिड्डा एडजस्ट क्यों करा है इसने जोमेटो ने ठीक है और आपको कम से कम दो ऐसी और कंपनीज के नाम बताना है जिन्होंने एबिड्डा एडजस्ट करा है जिसका भी जवाब जिसका भी जवाब मुझे सबसे अच्छा लगेगा ठीक है उसको मैं गिव अवे दूंगा कब बताओगे आप जैसे ही वीडियो रिलीज होगा ठीक है विल यू पार्टिसिपेट गाइस मैं एक किताब दूंगा जो मेरी फेवरेट है ठीक है विल यू पार्टिसिपेट इन दैट ठीक है करोगे पार्टिसिपेट अच्छे से चलो बहुत ही अच्छी बात है मैं भी चाहता हूं आप सब लोग पार्टिसिपेट करो हाँ जी सो यस 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 क्या आप लोगों को मजा आया इस सेशन में क्या आप लोगों को मजा आया इस सेशन में शानदार क्या आप चाहते हो अगले ऐसे सेशंस हों और ज्यादा ठीक है अगले ऐसे और सेशंस हो आप चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना है आपको नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर जाके व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है दिस इज द ओनली व्हाट्सएप ओनली सेशन आप अगर देखना चाहते हो ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूं आप देखो लोगों को कितना मजा आया है एंड यू नो गाइज मेरे लिए एक बार और क्या मजा आया आपको सेशन में क्या आपको सेशन में मजा आया है एवरी क्या आप चाहते हो ऐसे सेशन हों और ज्यादा ठीक है मैं कोशिश करूंगा मैं करता रहूं कंटिन्यूसली ठीक है तो 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 सर तो सर अगर आप चाहते हो आपको अगला सेशन ज्वाइन करना है तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उस लिंक को ज्वाइन करो और सीखते रहो आगे बढ़ते रहो टिल टिल दैट टाइम दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ बाय बाय